अमदावाद शहर में एक सलमान मिर्जा नामना युवक नु मौत थयुं छे। आ मौतनी घटना ने 10 दिवस थया छे। शा माटे मौत थयुं, कोण छे सलमान ना हत्यारा, आ मुद्दे पोलीस हजू कई उकाळी शकी नथी। आजे पण सलमान ना मौत नु रहस्य अकबंध छे। चालो जोईए सलमान मिर्जा ना मौत नो मामलो। रक्षाबंधन पहला भाई नू रहस्य मौत, बहन बनी नौधारी, न्याय माटे परिवार नी आजीजी। गई काले रक्षाबंधन नी पूर्व संध्याए एक भाई नू मौत थयुं छे। अचानक भाई नू मौत थता बहन नी आंखमांथी आंसू सुकाता नथी। वेजलपुरना फतेहवाड़ी में रहता 29 वर्षना युवक सलमान मिर्जा नू 25 जून ना रोज शंकास्पद मौत निपजू हतुं। पोताना एकना एक दीकरानू मृत्यु थता परिवार आघातमां छे। बहन अने मां बापनी घड़पणनी लाठी छीनवाई जता तेओ न्याय माटे वलखा मारी रह्या छे। शुं हती पूरी घटना? घटनानी वात करीए तो सलमान मिर्जा 23 जूने घरेथी निकळ्यो हतो अने त्यारबाद 24 जूनना रोज तेना मित्रो बेभान अवस्थामां लईने आव्या हता। सलमाने एमडी ड्रग्स लीधुं होवाथी नशामां होवानुं कहीने मित्रो निकळी गया, परंतु सांजे पण तेनी हालत खराब थता मित्रो डॉक्टर पासे लईने घरे मूकी गया हता। पण सलमाननी हालत सुधारवाना बदले वधारे बगड़ी रही हती। बीजा दिवसे परिवारे सोला सिविल हॉस्पिटल लई जता सारवार दरमियान सलमान नु मौत निपजू। आ घटनाथी आखो परिवार शोकमां छे। पोताना लाड़कवाया दीकरानी मौतनु कारण जाणवा पोलीस स्टेशनना धक्का खाय छे। तो दवा दी लागला तो कही पीला दो, पिलाई मैंने दवा तो रात को सुलाया, उसको सुबह में नीली उल्टी हुई तो मैं दवाखाने या अलनूर में लेके गई तो वहाँ इसके ट्रीटमेंट करी, फिर कह के सोला सिविल ले जा पुलिस केस है, तो वहाँ लेके गई तो वहाँ इसकी मृत्यु हो गई। ना ऐसा तो कोई दिन नहीं हुआ, पहली बार जैसा कोई खबर ही नहीं ना। यकीरा के पास से मिले ला इनके दोस्त को, वो मेरे को नहीं पता, सिर्फ एक ही नाम लिया था उसने हमारे सामने, गुलनाज करके, और हाँ और वो पुलिस स्टेशन में भी पकड़ा था उन लोगों ने। उसका असली नाम है रईसा। हाँ तो उसके साथ ही आखिरी बार देखी गई थी होटल में, लड़की थी और होटल में उसके साथ आखिरी बार गुलनाज ही देखी गई थी। सलमान मिर्जा ना मौत ने लेने विवाद। सलमान मिर्जा ना शंकास्पद मौत ने लेने विवाद सामे आव्यो छे। कारण के सलमान मौत पहला वासणानी एक होटल में बे युवती साथे जोवा मळ्यो हतो, जेमा एक युवती साथे ते रूम में जाय छे अने सवारे लथड़िया खातो बाहर पण निकळे छे। परिवार नो आरोप छे के सलमान ने एमडी ड्रग्स नो ओवरडोज आपीने तेना गुप्तांग पर फेविक्विक लगावी दीधी हती, जेथी तेनुं मौत निपजू छे। परंतु डॉक्टर ना रिपोर्ट में हजु सुधी फेविक्विक के ड्रग्स ने लईने कोई स्पष्टता नहीं थई होवानुं पोलीस नुं कहेवुं छे, जेथी पोलीसे आ शंकास्पद मौत ने लईने एफएसएल नी मदद लीधी छे। सग पण नक्की થયેલ હતું, જે ત્યારબાદ બંને પરિવારોની સહમતીથી સગ પણ ફોક પણ થયેલ હતું। પરિવારજનોના આક્ષેપ મુજબ નશાની હાલતમાં મરણ જનારના ગુપ્તાંગ ઉપર ફેવિક્વિક લગાડવામાં આવેલ છે અને જેના કારણે એનું મરણ થયેલ છે, જે બાબતે 2 મહિના પહેલા ડોક્ટર શ્રીનો અભિપ્રાય પૂછવામાં આવેલ હતો, જેમાં ડોક્ટરોએ મરણનું ચોક્કસ કારણ વિસેરા એફએસએલમાં મોકલાવેલ છે, જેનું રિઝલ્ટ આવ્યા બાદ જણાવવાનું કીધેલ છે। મોતનું કારણ હજુ અકબંધ। સલમાન રિક્ષા ચલાવીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો, માતા પિતા અને 2 બહેનોની જવાબદારી તેના પર હતી, પરંતુ સલમાનના મોતનું કારણ હજુ અકબંધ છે। પોલીસની તપાસમાં છેલ્લા સલમાન સાથે જોવા મળતી આ યુવતી તેની પૂર્વ ફિયાન્સી હતી। 5 વર્ષ પહેલા તેમની સગાઈ થઈ હતી અને 1 વર્ષ બાદ બંને સગાઈ તૂટી ગઈ હતી, પરંતુ તેઓ સંપર્કમાં હતા। આ યુવતીની પણ પોલીસે પૂછપરછ કરી, પરંતુ હજુ સુધી સલમાનના મોતનું કોઈ કારણ જાણવા નથી મળ્યું। હાલમાં પોલીસે એફએસએલની મદદથી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। આવનાર દિવસોમાં મામલે નવો વળાંક આવે તેવી શક્યતા છે। કેમેરામેન અભિષેક પંચાલ સાથે અનિતા પટણી, બીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ।